हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइक किस प्रकार वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। और उसी के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको एक वीडियो में बताए थे कि इस जगह बेहतरीन तरीके से प्लॉट है, वहाँ पर वेजिटेबल्स को ग्रो किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आ गए उसी प्लॉट में और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं और कौन कौन से वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं एकदम राइट वे में, और किस स्टेज पे हैं, यानी वो फ्रूट देने के स्टेज पे हैं या नहीं है। तो वो सब दोस्तों इस वीडियो में कवर होगा और साथ ही आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो किए जाते हैं। सो बस दोस्तों, आपसे यही करना है कि आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। हाँ, यही आपसे कहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर इसी तरह लाइक गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज डालता रहता हूँ। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ प्लॉट में वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बरबट्टी है जिसे हम बोरा कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बरबट्टी की खेती की जा रही है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बरबट्टी आने भी लगे हैं, ये जैसा कि आप देखते हैं, और कुछ फ्लावर भी आने लगे हैं और कुछ बरबटियाँ भी आने लगी हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाइक जो बोरा है वहाँ पर बेहतरीन तरीके से राइट वे में ग्रो किया जाता है। ये पूरे लगभग 2 बीघे हैं यहाँ पर जो कि बोरा की खेती की जाती है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, और इसमें कुछ बरबटियों में फूल भी आने लगे हैं। और इसी के साथ देखें तो इधर ये हरा चारा है, ये आप देख सकते हैं, कुछ हरे चारे हैं जो कि इस लाइक प्लॉट में ग्रो किए जाते हैं। और यहाँ पूरी तरह से जो वो होते हैं, खेती की जाती है सब्जियों की। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मक्का है, तो मक्का भी ग्रो किए जाते हैं। और इसी के साथ हम आपको दिखाएं तो और भी वेजिटेबल्स हैं जो कि ग्रो किए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वो सब वेजिटेबल भी हम आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लाइक ककड़ी है, इसे खीरा ककड़ी कहते हैं। ये भी यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से ग्रो किया जाता है, और लगभग इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गया और जल्दी इसमें फूल भी आने लगेगा। तो बाकी दोस्तों, अगर वीडियो में आगे बढ़े तो आप सामने देख सकते हैं, इधर लौकी है, लौकी आप देख सकते हैं। ये दोस्तों लौकी, और लगभग ये अभी 20 से 25 दिन का हुआ है और बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका ग्रोथ लेवल बहुत ही अच्छा है, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इसके लिए एक मचान बना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, मचान है। और इस लाइक मचान पर लौकी के बेल लाइक जिस तरह बड़े बड़े होंगे, उसी प्रकार ये इस लौकी के बेल हैं इस मचान पर चढ़ जाएंगे और हमारे लौकियाँ फरेंगे। और फाइनली दोस्तों, ये लौकी है। और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो आप ये देख सकते हैं, करेला है ये। तो दोस्तों, करेला भी इस लाइक प्लॉट में अच्छे तरीके से राइट वे में ग्रो किया जाता है। और अन्य वेजिटेबल और भी हैं दोस्तों, तो चलिए फ्रेंड्स वो भी सब जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें हम दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं, अभी जो टमाटो के नर्सरी है, नर्सरी थे, उन नर्सरी को जल्दी अभी ट्रांसप्लांट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और टमाटो है दोस्तों, और इसी के साथ और भी जो वेजिटेबल्स हैं उन्हें भी हम आपको दिखाते हैं। तो सामने जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सब भिंडी का पौधा है। भिंडी भी इस लाइक जो प्लाट है यहाँ पर अच्छे से ग्रो किया जाता है। और बाकी आप सामने बोड़ा देख ही चुके हैं, जो कि बोड़ा है, ये भी ग्रो किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये सब मूली है, जो कि यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से राइट वे में ग्रो किया जाता है। और वीडियो में आगे बढ़े तो दोस्तों, इस समय जो बैगन है, बैगन का सीजन चल रहा है। लाइक आप जानते हैं कि इस समय मई मंथ चल रहा है, तो जून मंथ के फर्स्ट वीक तक यहाँ पर जो बैगन है वो भी लगा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बैगन भी दिखाते हैं आपको, ये सामने आप देख सकते हैं, ये बैगन थे जो कि छोटे छोटे पौधे थे, उन्हें जल्दी ट्रांसप्लांट किया गया है, लगभग 1 से 2 दिन हुए हैं। तो अभी ये पूरी तरह पकड़े नहीं है मिट्टी से। तो दोस्तों, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ग्रो किए जाते हैं। सो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।